तो प्रधानमंत्री का जन्मदिन आज मनाया जा रहा है 73वां, और देश के अलग अलग हिस्सों में कई तरह के कार्यक्रम जो हैं वो बीजेपी आयोजित कर रही है। उनको उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं और बधाई देने वालों का भी तांता लगा हुआ है। केंद्र सरकार के मंत्री, विपक्ष के नेता और देश भर से बीजेपी के नेता जो हैं वो प्रधानमंत्री को शुभकामना संदेश जो है वो भेज रहे हैं। कुछ नेताओं के बयान यहाँ पर आपको सुनवाते हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। मैं प्रार्थना करता हूं भगवान से कि उनको लंबी आयु और अच्छे हेल्थ प्रदान करें। 17 सितंबर आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन भी है। मैं सभी हिमाचल प्रदेश के वासियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बधाई देते हुए उनके उत्तम और दीर्घ जीवन की कामना हम सब करते हैं। ये हम सबका सौभाग्य है कि देश की संसद में आदरणीय प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोग उनके जन्म दिवस पर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान उनको दीर्घायु बनाए, शतायु बनाए, उनको स्वस्थ रखे और लंबे समय तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हमारे देश का नेतृत्व भगवान उनसे करवाए, उनको लंबे समय तक वो देश का नेतृत्व करें, जिससे कि हमारा देश दुनिया का नेतृत्व करने वाला देश बने। एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो उन्होंने कल्पना की है वो साकार हो। हार्दिक बधाई देना चाहते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनका जन्मदिन पे हमें हार्दिक बधाई देना, शुभकामना कर जाना, मतलब शुभकामना उनके लिए मांगते हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं यशोभूमि की। दुनिया के विशाल कन्वेंशन सेंटर में अब यशोभूमि का नाम भी दर्ज हो जाएगा, और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री का स्वागत भी यहाँ पर किया जा रहा है। अलग अलग तरीकों से प्रधानमंत्री का आज जन्मदिन भी है, तो अपने जन्मदिन पर इस यशोभूमि का उद्घाटन भी वो करेंगे, और साथ ही विश्वकर्मा योजना जो है उसकी भी शुरुआत प्रधानमंत्री की तरफ से की जाएगी। तो अलग अलग कलाकार भी यहाँ पर मौजूद हैं, प्रधानमंत्री का स्वागत अपने अपने तरीके से करते हुए नजर आ रहे हैं। पारंपरिक वेशभूषा में पारंपरिक नृत्य करते हुए ये कलाकार, तो ढोल नगाड़े भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री अभिवादन करते हुए यहाँ पर उनका नजर आ रहे हैं।